नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां मुरैना के कैलारस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दीप वाटिका में युवा सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में मातृभूमि के प्रति जागृति पैदा करना, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना रहा। मुरैना जिले के युवाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सबलगढ़ जिला प्रचारक जितेंद्र शर्मा व कार्यक्रम संयोजक अनिल शुक्ला के द्वारा भारत माता को पुष्प समर्पित कर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामकिशोर उपाध्याय जी रहे। कार्यक्रम में कैलारस सबलगढ़ के खंड प्रचारक जितेंद्र गोस्वामी, मुकेश धाकड़, कुलदीप भारद्वाज, भगीरथ शर्मा, दीपक दुबोलिया एवं सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए कैलारस से जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। सभी आज के इस युवा सम्मेलन में पधारे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित युवा सम्मेलन के संयोजक श्री अनिल जी, पीछे बैठे जिला दरोगा श्री मुकेश जी और सभी जिला के पदाधिकारी, आज जो युवा सम्मेलन उसकी क्या पृष्ठभूमि है, ऐसा विषय मेरे को दिया गया है कि इस विषय पर आपको थोड़ा सा विषय रखना है और इसके बाद फिर अभी अपने इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। आप समझ नहीं पाओगे, हम सब कुछ समझ सकते हैं, आप हमें समझाने का प्रयत्न करेंगे कि देश खतरे में क्यों है, देश पर खतरा कब होता है, संविधान खतरे में कब होता है। देश पर खतरा तब होता है जब कोई पड़ोसी देश हमारे देश पर आक्रमण करे और भारत की फौज, भारत की सेना उसका उत्तर नहीं दे पाए, तब देश खतरे में। भारत में जितनी संस्थाएं उनको भंग कर दिया जाए और भारत पर कोई ऐसे व्यक्ति का शासन हो जाए जो भारत के संविधान और कानून को नहीं मानता हो, तब देश खतरे में होता है। तो यहां तो देश में चुनी हुई सरकारें चल रही हैं, मतदान हो रहा है, सरकारें बदल रही हैं, प्रदेशों में अपने हिसाब से जनता मतदान करती है, ये भी लोग। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज का ये जो युवा सम्मेलन है, इस युवा सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि भारत के जो युवा हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, यह हमारे मातृभूमि के प्रति इसमें लगाव अनुरक्ति बढ़े। और इस समय जैसा कि हम वातावरण भी देख रहे हैं कि देश पर आतंकवादी हमला हुआ, देश के वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी, ऐसे में हमारे देश के नौजवान भी अपने देश, अपनी मातृभूमि के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसे समझें, संस्कारित हों और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, ऐसी भावना को जागृत करने के लिए ये युवा सम्मेलन। धन्यवाद भाई साहब।